देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि साबित करें कि n के सभी मानों के लिए सरल रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2 वक्र दिया हुआ है, x बटा ए का होल पावर n और प्लस y बटा बी का होल पावर n इक्वल टू 2 को बिंदु ए बी पर प्रति स्पर्श करती है। मतलब कि इस बिंदु पर ना, या जो बिंदु दिया गया है ए बी, इस बिंदु पर यहाँ पे ये वक्र का जो समीकरण आपके पास दिया है, यह वक्र जो दिया है इसके, ये वक्र कोई होगा और इस वक्र के किसी बिंदु ए बी पर यह सरल रेखा स्पर्श करती है, यही हमें साबित करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इससे ढाल निकालेंगे और इस बिंदु को लेते हुए हम लोग एक स्पर्श रेखा निकाल देंगे जो कि आपका यही हो जाएगा। तो जब यह स्पर्श रेखा आ जाएगा तो साबित हो जाएगा। तो पहले इसको लेके हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं और ढाल निकाल के इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श निकाल लेंगे, स्पर्श रेखा यही हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, x बटा a का पावर n प्लस y बटा b का पावर n बराबर में 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, यही ना रूल होता है। प्लस उसी तरह से यहाँ से भी पावर नीचे उतरेगा n और इंटू में y बटा बी का पावर n माइनस 1 और फिर y बटा बी में यहाँ देखो। अच्छा एक और चीज छूट रहा था, देखो इसको मुझे चेन रूल पे चलना होगा ना जी। पावर नीचे उतरा, पावर में से एक घट गया और x बटा ए का डिफरेंशिएशन 1/a होगा ना, समझ रहे ना। प्लस पावर नीचे उतरा, पावर में से एक घट गया और y बटा बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/b और y का तो dy/dx हो जाएगा, y का dy/dx और एक कॉन्स्टेंट है तो इसको 0। समझ गया ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, पावर नीचे उतरा, पावर में से एक घट गया, अब इसके अंदर वाले का तो x बटा ए का 1/a हो जाएगा। उसी तरह इसका करेंगे तो पावर नीचे उतरा, पावर में से एक घट गया, y बटा बी का 1/b और y का हो गया dy/dx, कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं, चलिए इसको उधर भेजते हैं और ये चल जाएगा फिर भाग में। तो यहाँ n n और इस b को इसके बटा में कर लेते हैं, n बटा b y बटा b का पावर n माइनस 1 इंटू में dy बटा dx और इसको इधर लेंगे तो माइनस का n बटा a इंटू में x बटा a का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको भाग में भेजेंगे, चलिए भाग में भेजते हैं। तो यहाँ से dy बटा dx बराबर में होगा माइनस का n बटा a x बटा a का पावर n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका n बटा बी वाई बटा बी का पावर n माइनस 1, या n से n काट दे, ये b ऊपर चला जाएगा। चलिए और ये भी क्या होगा ना, इसको भी पलट देते हैं और ये होल पावर कर देंगे तो dy बटा dx बराबर माइनस का b बटा a इंटू, देखो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा bx, ये b x के साथ इंटू कर जाएगा और ये ay और होल पावर में n माइनस 1। चलिए हमें क्या देखना था, तो एट ए बी पर ना, ए बी पर चेक करना है इसे, तो यहाँ से हमें स्पर्श रेखा का ढाल निकल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में माइनस का बी बटा ए इंटू बी और एक्स की जगह क्या रख देना है ए, ठीक है, और वाई की जगह बी रख देना है, ए वाई के जगह पे यहाँ बी आ जाएगा और पावर में एन माइनस 1, तो ये कट जाएगा पूरा, 1 बचेगा ना जी, ए से ए बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ माइनस बी बटा ए और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, यानी कि माइनस का बी बटा ए स्पर्श रेखा का हमारा क्या आ गया, ढाल आ गया। ठीक है, चलिए तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, समीकरण किस पर, तो ए ए पर, बिंदु ए ए पर, बिंदु ए ए पर, चलिए ना बिंदु ए बी, सॉरी बिंदु ए बी पर हम लोग निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, वाई माइनस बी बराबर में आपके पास यही आपका ढाल दिया हुआ है, माइनस का b बटा a इंटू में x माइनस में x1 यानी कि a। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए वाई माइनस का ए बी माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, और इसको उधर लेके जाते हैं, ए ना होगा जाएगा जी, तो ये इधर आके हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 2ab, यहाँ ए बी और माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ए बी को भाग मिलाते हैं तो बी एक्स बटा ए बी अलग अलग भाग कर दो और ए वाई बटा ए बी
ठीक है, और बराबर में 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते। यहाँ देखो सिंपल तो है यार, यहाँ देखो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर में 2। तो देखो तो हमारा सरल रेखा का समीकरण आ गया कि नहीं। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n के, अतः n के किसी भी मान के लिए सरल रेखा एक्स बटा ए वाई बटा बी बराबर दो ए कॉमा बी पर वक्र को स्पर्श करेगी। हमें यही साबित करके दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया सर पर।